हम आज जा रहे हैं गुजरात के पाटन जिले की रानी की वाव की तरफ। यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है रानी की वाव, और आज हम आपको बताएंगे रानी की वाव का पूरा इतिहास। ये हम पहुँच गए हैं पार्किंग प्लॉट पे। यहाँ से करवानी पड़ेगी आपको ऑनलाइन टिकट, जो आपको मिलेगी ASIPayUmoney.com पे। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है बड़ौदा, और उसके बाद रानी की वाव, उसके बाद आपको डालनी है डेट, उसके बाद डालना है आपको अपना मेल आईडी। अगर आप इंडियन है तो आपको लगेंगे 35 रुपये, और अगर आप NRI तो आपको लगेंगे 100 रुपये प्रति टिकट। आज मैं ले चलता हूँ आपको विश्व प्रसिद्ध पाटन की रानी की वाव में। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल टेवानी मुकेश में। COVID-19 के चलते हुए इसकी टिकट आपको ऑनलाइन करवानी होगी। हमने हमारी टिकट कलेक्ट कर ली है। आप देख रहे हैं ये सुंदर गार्डन, जो हमें पूरा चल के अंदर तक जाना है। आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती, कितना बेहतरीन है ये गार्डन, और तकरीबन ये 6 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों, आपने 100 रुपये की नई नोट तो देखी होगी, जिसके पीछे की इमेज जो दिखा रही है वो है पाटन की रानी की वाव की। रानी की वाव जो 7 मंजिल तक नीचे जाता है, फिलहाल तो हम 5 मंजिल ही नीचे जाएंगे, क्योंकि आगे की परमिशन हमको नहीं है। सोलंकी राजवंश के सूर्यवंशी राजा भीमदेव की प्रथम पत्नी उद्यावती ने अपने पति भीमदेव की याद में 1063 की साल में इसे बनवाया था। कुछ लोगों का मानना है कि इसके पानी से नहाने से कुछ बीमारियां नहीं होती। सच में रानी की वाव की 800 साल पुरानी अनोखी डिजाइन इसे सबसे अलग बना देती है। 2014 में यूनेस्को ने इसकी अनोखी डिज़ाइन देख के इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। वाव के अंदर भगवान विष्णु से संबंधित बहुत ही कलाकृतियां और मूर्तियां बनी हुई है। यहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से कल्कि, रामकृष्ण, नरसिम्हा, वामन, वराई और दूसरे मुख्य अवतार भी शामिल है। साल 2001 में इस वाव से 2 मूर्तियां चुराई गई थी, जिसमें एक 11वीं सदी की गणेश जी की मूर्ति थी और दूसरी 13वीं सदी की ब्रह्मा जी की मूर्ति थी। इस वाव की पश्चिमी छोर पे एक कुआं है, जिसका व्यास लगभग 10 मीटर और गहराई लगभग 30 मीटर है। इस वाव की लंबाई लगभग 64 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। ये वाव भारत में सबसे बड़ी है और लगभग 6 एकड़ में फैली हुई है। ये इस वाव में आपको देखने में आएगा 700 से भी ज़्यादा मूर्तियों का कला का प्रदर्शन। वाव के नीचे एक छोटा सा दरवाज़ा भी है, जिसके भीतर 30 किलोमीटर तक की एक सुरंग भी है, जिसको अभी मिट्टी और पत्थरों से बंद कर दिया है। साल 1980 में इसे ASI ने साफ करके इस कीमती लाजवाब खूबसूरत धरोहर को अपने हस्तगत किया है, और इसकी पूरी जिम्मेवारी अपने सर पे ली है। आप अगर नए हैं हमारी चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल टेवानी मुकेश को, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।